हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए एक्सेल का एक बेहतरीन फॉर्मूला लेके आया हूं जिसका नाम है लेफ्ट। हाँ जी, फॉर्मूले का नाम है लेफ्ट। ये ना किसी लेफ्ट पार्टीज के बारे में नहीं है, ना राइट विंग पार्टीज के बारे में है। ये क्या करता है ये फॉर्मूला कि किसी भी गिवन टेक्स्ट में से जो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने लिखा हुआ है उसमें से हमें कितने भी कैरेक्टर्स अगर चाहिए हो तो ये लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा और जितने कैरेक्टर आप बोलोगे वो आपको उठा के दे देगा। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, अगर आप देखें कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे मैंने लिखे कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं हमें चाहिए और यहाँ पे उस कैरेक्टर को हम लेके आएंगे। आइए देखते हैं। इज इक्वल टू LEFT, नाम बड़ा आसान है। ये बोल रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट चुने, ये रहा मेरा टेक्स्ट कॉमा, ये कह रहा है कितने कैरेक्टर्स चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे को ये जहाँ पे जितने कैरेक्टर्स लिखे हैं उतने कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए मैंने 1 लिखा था तो ये पहला कैरेक्टर उठा के वहां से ले आया है। अब यहां पे मेरे को 2 कैरेक्टर चाहिए, तो इज इक्वल टू LEFT और मैंने टेक्स्ट चुना कॉमा। अब जरूरी नहीं कि मैं ये सेल ही पे क्लिक करूं कि कितने कैरेक्टर चाहिए मेरे को, मैं यहां पे 2 भी टाइप कर सकता हूं, ब्रैकेट क्लोज करा और ये देखिए इसने यहां के पहले के 2 कैरेक्टर्स उठा लिए। और यहां पे हम 3 कैरेक्टर्स उठा के देखते हैं, इज इक्वल टू LEFT ओके कॉमा, और यहां पे इसने 3 कैरेक्टर्स उठा ली। यहां पे मैं अब आपको 12 कैरेक्टर उठा के दिखाता हूं, इज इक्वल टू LEFT। उठाना वर्ड गलत हो जाएगा, ठाकुर वाली बात हो जाएगी कि भाई हम उठा के लेके जाने किसी को, एक्सट्रैक्ट करता है। चलिए हम 12 कैरेक्टर्स यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए अब इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है और ये नंबर्स के साथ भी काम करता है। आइए देखें ये नंबर्स के साथ कैसे काम करता है। ये फॉर्मूला नंबरी फॉर्मूला है और ये 4 मैंने कैरेक्टर्स उठाने की कोशिश करी, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो ये था हमारा लेफ्ट फॉर्मूला जहां पे कि हमें मालूम था कि हमने जो भी वैल्यू उठानी है एक्सट्रैक्ट करने कैरेक्टर्स कितने हैं उतने हम कैरेक्टर्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें और हम उतने कैरेक्टर्स यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी केस में मान लीजिए फर्स्ट नेम सेकंड नेम के केस में, ये देखिए यहां पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आपको दिख रहा है, यहां पे फुल नेम है किसी बंदे का myelesson.org। मैं सिर्फ इसमें से फर्स्ट नेम चाहता हूं। अब फर्स्ट नेम जो होता है किसी को गारंटी थोड़ी है कि कितने ही कैरेक्टर्स का होगा, किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे myelesson.org लिखा है तो फर्स्ट नेम क्या हो गया myelesson। अब मैं यहां लिख देता हूं गुरुजी, तो इसने देखिए फर्स्ट नेम गुरु उठा दिया। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला समझाता हूं फिर आपको बताता हूं कि कैसे करा हमने ये। मैंने इसमें 2 फॉर्मूले यूज करे, मैंने आपके लिए लिखा है। मैंने यूज करा लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूले में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें बताना पड़ता है टेक्स्ट कहां पे है, वो C27 में टेक्स्ट लिखा है, मैंने ये दिखा दिया, सॉरी C21 में टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने आपको यहां पे टेक्स्ट दिखा दिया। फिर कॉमा, अब कॉमा देने के बाद हमें क्या चूज करना होता था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। हमने फाइंड फॉर्मूला डाला। फाइंड फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको चाहिए वो ढूंढ के दे देगा। तो हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वही डिफरेंशिएट करती है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। तो मैंने स्पेस ढूंढी, कॉमा, कहां से चाहिए मेरे को स्पेस, यहां से चाहिए C21 से, और स्पेस में ढूंढने से -1 अगर कर दोगे तो जितने भी उससे पहले की चीज है वो फर्स्ट नेम है, तो वो मैंने यहां पे यूज करा है। आइए मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। इज इक्वल टू LEFT ब्रैकेट ओपन, ये कह रहा टेक्स्ट चुने अपना, तो ये रहा मेरा टेक्स्ट कॉमा। अभी कहता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं चुनता नहीं हूं, मैं फॉर्मूला डालता हूं उसके लिए, वो मैं डाल रहा हूं FIND। इसको नेस्टेड फॉर्मूला भी बोलते हैं क्योंकि हम 2 फॉर्मूले इसमें मिक्स कर रहे हैं, नेस्टेड फॉर्मूलाज कहते हैं इनको। फाइंड, अब ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है मेरे को, क्या फाइंड करना है, स्पेस, क्योंकि यही तो एक चीज है जो मुझे बताती है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कौन सा है, सेकंड नेम कौन सा है। तो ये मैंने 2 निशान डाले कोट्स के, और कोट्स ओपन करें और बीच में स्पेस डालो और कोट्स क्लोज कर दिए, कॉमा दबाए। विद इन टेक्स्ट कहां से ढूंढना है मेरे को स्पेस, यहां से ढूंढना है कॉमा। अभी कह रहा स्टार्ट नंबर देना है कि नहीं देना है, फाइंड फॉर्मूले में मैं स्टार्ट नंबर नहीं देना चाहता, मैं कॉमा हटा लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और इससे 1 माइनस कर दूंगा,
क्योंकि मैंने स्पेस ढूंढी थी बीच में, करेक्ट है, तो स्पेस भी अपने आप में कैरेक्टर है, तो अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो उससे पहले जो भी बचा था स्पेस से पहले वही फर्स्ट नेम है, तो वो आ जाएगा उठ के। ये देखिए अब मैं इसको बदल के दिखाता हूं, देखिए हम टाइप करते हैं गुरु जी, और इसने गुरु उठा लिया, हम इसमें टाइप करते हैं राम रहीम, इसमें राम को ले लिया। सो हमें स्पेसिफाई कहीं भी नहीं करना पड़ा कि पहले नाम की लेंथ कितनी है, तो ये था हमारा लेफ्ट फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सो ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है मेरे वेबसाइट myelesson.org। हाँ जी, ORG का मतलब नॉन प्रॉफिट, मेरा वेबसाइट प्रॉफिट के लिए नहीं है, मेरे को इससे कोई पैसा नहीं कमाना है, ये सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए है कि आपके किसी के काम आ जाए। आपसे अगर इसको शेयर करना चाहें किसी के साथ तो प्लीज जरूर करें, मेरे को अच्छा लगेगा। सो अगले वीडियो तक मेरी तरफ से गुड बाय, दिस इज योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।